नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में नवरात्रि के विषय में बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे, जैसे कि नवरात्रि के दिन हम बाल धुल सकते हैं कि नहीं धुल सकते हैं, यदि हम व्रत नहीं रख पाते हैं, ज्योत नहीं जलाते हैं और कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो पूजा अर्चना कैसे करें, प्रतिमा हम कैसी रखें, नई प्रतिमा ले माता जी की या पुरानी प्रतिमा से हम पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार की प्रतिमा लेना ज्यादा शुभ होता है, ग्रहण में हम पूजा कैसे करें या फिर पूजा की तैयारी कैसे करें, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। माता रानी को श्रृंगार किस दिन चढ़ाना उचित होगा और सबसे जरूरी बात कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम कौन सा पाठ करें जो कि बहुत अत्यधिक शुभ फलदायी होता है, तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आइए माता रानी की वंदना कर लेते हैं। सबसे पहले, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो जो नवरात्रि का प्रथम दिन है वह रविवार के दिन पड़ रहा है और बहुत सी बहनों का ये प्रश्न होता है कि व्रत के दिन बहनें बाल धुल सकती हैं या नहीं धुल सकती हैं। जहां तक मेरा मानना है कि नवरात्रि के प्रारंभ के दिन आप बाल बिल्कुल धुल सकती हैं और नवरात्रि के बीच में भी आप दिन अच्छा हो तो बाल धुल सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि 9 दिनों की बात होती है तो बीच में आप बाल धुल सकती हैं। दिन अच्छा होना चाहिए, जैसे कि बृहस्पतिवार ना हो, शनिवार ना हो, सोमवार ना हो तो आप बाल धुल सकती हैं और पहले दिन भी आप बाल धुल कर सिंदूर लगाकर आप पूजन अर्चन कर सकती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में स्त्रियों को बहुत अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी श्रृंगार है वो हम माता रानी के लिए करते हैं और माता रानी का श्रृंगार करते हैं, इसलिए अत्यधिक श्रृंगार हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी सुहागिन माताएं बहने हैं वो बालों को धुल सकती हैं, सिंदूर बिंदी लगा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत अत्यधिक श्रृंगार के लिए जैसे कि 16 श्रृंगार करने की मनाही होती है, इसमें दोष है। बाकी आप जो नित्य का श्रृंगार हमारा होता है वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज कि बहुत से भाई बहन का ये प्रश्न होता है कि हम 9 दिनों का व्रत नहीं रखते हैं, हम कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है या कोई भी कारण है, अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं, तो क्या हमारी पूजा अर्चना सफल होगी, क्या हम माता रानी की उसी प्रकार से पूजा अर्चना कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हो सके तो आप 9 दिनों तक लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग कर दें, भोजन करें लेकिन सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें और अपने घर के मंदिर में ही, आपके जो घर के मंदिर में माता रानी की तस्वीर है, कोई आवश्यक नहीं है कि आप नई तस्वीर लें, वहीं पे आप सुबह और संध्या के समय विधि विधान से पूजन अर्चन करें। अपने मंदिर की पहले साफ सफाई कर लें, गंगा जल इत्यादि छिड़क लें। जैसा कि एक दिन पहले अमावस्या होती है पितृपक्ष की, तो आप संध्या के समय भी अपने मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन प्रातः काल से हमें पूजा की तैयारी करनी होती है, तो आप कर लें और प्रतिदिन सुबह और शाम के समय नहा धोकर माता रानी की पूजा अर्चना करें। एक दीपक प्रज्वलित कर दें, एक लोटा जल आप रख दें। कलश स्थापना की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जल वैसे भी प्रतिदिन की पूजा में हम रखते हैं, और माता रानी को सात्विक भोग प्रसाद अर्पित करें, माता रानी के मंत्रों का जप कर लें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें और पूरे परिवार इकट्ठे होकर आप लोग माता रानी की आरती कर लें। इसी प्रकार संध्या के समय भी माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर लें। इसमें कोई दोष नहीं है कि आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं या फिर कलश स्थापना कर रहे हैं या नहीं, अखंड ज्योत जला रहे हैं या नहीं, माता रानी केवल हमारा भाव देखती हैं। हाँ, आपके पास शक्ति सामर्थ्य है तो आप जितना भी हो सके आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से भी 9 दिनों तक पूजन अर्चन करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रतिमा किस प्रकार की हो, नई प्रतिमा लें या पुरानी प्रतिमा से हम पूजा कर सकते हैं, या फिर प्रतिमा किस रूप में हम लोग लें, कौन सी प्रतिमा बहुत ही शुभ होती है, ये सारी बातें आप लोगों के मन में आती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप पुरानी प्रतिमा से भी माता रानी की 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर सकते हैं, नई प्रतिमा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लेना चाहते हैं तो नई प्रतिमा भी ले सकते हैं। अब कौन से रूप की प्रतिमा लें, आइए नवरात्रि के लिए मैं बताती हूँ। वैसे माता रानी के सभी रूप बहुत ही सुंदर और सौम्य हैं,
लेकिन नवरात्रि के लिए जो उपयुक्त प्रतिमा होती है कि माता रानी शेर पे सवार हैं और सौम्य रूप में हैं, सौम्य रूप में हैं और उनके चारों तरफ नव दुर्गा के जो चित्र बने होते हैं, ऐसी प्रतिमा आती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो नव दुर्गा के चित्र इसमें बने हुए हैं, अर्थात नव दुर्गा का स्वरूप इस प्रतिमा में है। तो ऐसी प्रतिमा अक्सर नवरात्रि में लेकर हम लोग पूजन अर्चन करते हैं, जिससे कि हमें नव रूपों का दर्शन हो जाए और हम नव रूपों की पूजा कर सके। लेकिन आप यदि ऐसी प्रतिमा नहीं है आपके पास, केवल एक ही चित्र है आपके पास, जैसे माता रानी का केवल एक फोटो है, तब भी कोई बात नहीं है। बस ध्यान इतना आप लोगों को रखना है कि आप माता रानी के रौद्र रूप की प्रतिमा न लें, जिसमें कि माता रानी राक्षस का वध करती हुई दिखाई देती हैं, शेर का मुंह खुला हुआ होता है। ऐसी प्रतिमा आपको पूजा के लिए नहीं लेनी चाहिए और वैसे भी ऐसी प्रतिमाएं घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। सौम्य रूप की प्रतिमा आपको हमेशा लेनी चाहिए। ये बात भी हो गई। अब बात आती है ग्रहण के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 14 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है और हम इसी ग्रहण में कैसे पूजा की तैयारी करें, किस प्रकार से नवरात्रि के पूजन की सभी तैयारियां करेंगे, मंदिर वगैरह का स्पर्श कैसे करेंगे, मूर्तियों का स्पर्श कैसे करेंगे, ये सारी बातें आती हैं। और इसी दिन अमावस्या भी है, तो हम लोग ये सारे कार्य कैसे करें ग्रहण के समय में। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये 14 अक्टूबर को जो ग्रहण लग रहा है, ये भारत में दृश्य नहीं है, भारत में मान्य नहीं है। तो हमें किसी भी प्रकार का कोई नियम लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें किसी प्रकार का सूतक दोष नहीं लगेगा और न ही किसी प्रकार का ग्रहण दोष लगने वाला है। तो आप उसी प्रकार से अपनी पूजा अर्चना का तैयारी भी कर सकते हैं और उसी प्रकार से पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि भारत में यह दृश्य नहीं है। आइए और ये समझ लेते हैं कि माता रानी को श्रृंगार हम किस दिन अर्पित करें। देखिए, माता रानी को श्रृंगार हम पहले दिन से लेकर अष्टमी तक अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस दिन आप करें इस दिन ना करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ज्यादातर अष्टमी तिथि के दिन माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, उनका कोइच्छा भरा जाता है। बहुत सारे नियम अष्टमी तिथि को किए जाते हैं, लेकिन आपकी यदि इच्छा है तो प्रथम दिन, जिस दिन आप कलश स्थापना कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, जिस दिन आप अपनी पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, उस दिन भी आप माता रानी को श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। और चाहे तो अष्टमी के दिन भी आप माता रानी को श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस दिन करें या किस दिन ना करें। अब आते हैं सबसे मुख्य बात पर कि पाठ कौन सा करें। नवरात्रि में अक्सर यह प्रश्न होता है और हमारे मन में बहुत सारी दुविधा भी होती है कि हम माता रानी को कौन सा पाठ करें, माता रानी के समक्ष किस पाठ से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं या हमें किस पाठ से बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इसके लिए आप अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखें, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। यदि आपसे कोई कहता है कि आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आपके मन में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं बिल्कुल सरल रूप बता देती हूँ, बिल्कुल सरल विधि बता देती हूँ। देखिए, माता रानी केवल भाव की भूखी हैं, सभी देवी देवता केवल भाव के भूखे हैं। आपको जितना आता है, आपको जितना ज्ञान है, जितना आपके पास समय है, जितनी आपके पास सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप माता रानी का पाठ करें। अब पाठ के विषय में मैं बता देती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसकी पूरी विधि का वीडियो आ चुका है चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उसका नियम है कैसे करना है आपको। दूसरी बात, कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ भी आप पूरे 9 दिनों तक कर सकते हैं, उसकी भी विधि मैंने बता दी है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक विधि समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैं बता दूं, इसमें आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इसको करने से हमको ज्यादा लाभ मिलेगा, इसको करने से हमको कम लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके अंदर होनी चाहिए श्रद्धा और भक्ति। आप बैठकर माता रानी के समक्ष अपने प्रेम से, श्रद्धा से जो भी आप करेंगे, जिस प्रकार उनको पुकारेंगे, माता रानी सुनेंगी। ऐसा नहीं है, यदि हमारे मन में श्रद्धा ही ना हो, प्रेम ही ना हो, तो हम 3 घंटे बैठकर हम पाठ करते रहे निरंतर, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। अब आइए आगे बता दूं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ निरंतर प्रथम दिन से लेकर 9 दिनों तक कर सकते हैं। अब दुर्गा चालीसा का पाठ यदि आप करना चाहते हैं तो चाहें तो आप एक पाठ एक दिन में, आप 2 पाठ 3 पाठ भी कर सकते हैं, 5 पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। दूसरी चीज, कोई एक मंत्र, जैसे दुर्गा जी के बहुत सारे मंत्र हैं, आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक यदि खोलेंगे तो आपको दुर्गा जी के बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में परम शक्तिशाली मंत्र हैं, परम प्रभावशाली मंत्र हैं। तो उन मंत्रों में से आप चाहें तो सारे मंत्र का जप आप प्रतिदिन कर सकते हैं, और चाहें तो उसमें से कोई एक मंत्र आप ले लें
और उसी को एक माला प्रतिदिन करते रहें, जैसे कि 108 बार आप प्रतिदिन करते रहें। आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही 5 मिनट आप समय निकाल लें या 10 मिनट आप समय रख लें कि हम इतनी देर इस मंत्र का जप हम करेंगे प्रतिदिन नवरात्रि में, सुबह या संध्या के समय या फिर दोनों समय। ये भी बहुत अच्छी बात है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। चाहे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस मंत्र का जप, सबसे सुंदर मंत्र ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, ये बहुत ही सारी बाधाओं को मुक्त करने वाला मंत्र है, सारी बाधाओं को दूर करने वाला मंत्र है। इसका आप चाहे तो निरंतर जप कर लें पूरी नवरात्रि में, और सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, आप लोग जानते ही हैं इस मंत्र का आप लोग जप कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो मंत्र आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मंत्र, तो इस तरह से आप जप कर सकते हैं। अब आइए बता देती हूँ और भी चीजें। विंध्यवासिनी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, निशुंभ शुंभ गर्जनीम प्रचंड मुंड खंडनीम वने रणे प्रकाशनीम भजामि विंध्यवासिनीम, इस तरह से बहुत बड़ा भी नहीं है तो विंध्यवासिनी स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। दुर्गा चालीसा मैंने बता ही दिया है आपको। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप बैठकर माता रानी की स्तुति करिए, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, हे माता रानी मेरा कल्याण कीजिए, हे माता रानी मेरे परिवार का कल्याण कीजिए। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई श्लोक नहीं बोल पाते हैं, तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होंगी। हे माँ मैं आपके चरणों में हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, और जो भी मुझे आता है जो भी मुझे ज्ञान है मैं आपकी स्तुति आपकी वंदना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये भी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पाठ को आप नहीं कर रहे हैं तो माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी। किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार की दुविधा आपको अपने मन में नहीं रखनी है। हर पूजा पाठ की वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा, सबसे बड़ी बात होती है भक्ति। न माता रानी को सामग्री चाहिए, न माता रानी को बहुत अधिक आपका समय चाहिए, केवल उनको प्रेम चाहिए। तो नियम बहुत सारे भी हैं, बहुत बड़े बड़े नियम भी हैं दोस्तों, और बहुत सरल नियम भी हैं। हमें करना कैसे है ये हमारे ऊपर है, हमारा प्रेम कितना है ये तो हम स्वयं जानते हैं, हमारा मन जानता है कि हम कितने प्रेम और श्रद्धा से कर रहे हैं। तो पाठ के विषय में भी आप सभी लोग अच्छी तरह से जान गए। हाँ ये जरूर कह देना चाहती हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप करना चाहते हैं तो इसकी नियम विधि जरूर जान लेनी चाहिए, ऐसे ही नहीं आप कर सकते हैं, थोड़ा नियम विधि इसका है। और पूरी विस्तृत वीडियो, बहुत ही लंबी वीडियो भी है, हो गई है बताते बताते, लेकिन मैंने दी है, आप एक एक बातें समझ सकते हैं कैसे करना है, कौन कौन सा अध्याय किस दिन आपको करना है, अध्याय करने से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, तो ये सारी बातें। अब आइए साधारण सी बात बता देती हूँ कि आप लोग पूजा करने के बाद, पूजा किसी भी रूप में आप कर रहे हैं जो भी ज्ञान है, आप अंतिम में क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं और अपने आसन के नीचे जल गिराकर ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः 3 बार कर लेंगे, आपकी पूजा सफल हो जाएगी और आपको माता रानी क्षमा भी करेंगी, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई भी भ्रम आपको नहीं रखना है, बिल्कुल ही भोले मन से सच्चे मन से आप माता रानी की भक्ति कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।